गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर इंग्लिश टीचर सरिता चौहान। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंग्लिश रीडर, सो प्लीज़ लेट्स ओपन योर बुक्स। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इसमें चैप्टर 7, द मून इन अ बाउल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये स्टोरी समझाई थी, आज हम उसके आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे। ये आपका लेक्चर 2 है। वानी फिनिश हर फूड। वानी ने अपना फूड जल्दी से फिनिश किया। ग्रैंड मदर गोज टू द किचन। जो ग्रैंड मदर थी, उनकी जो दादी थी, वो किचन में गई। शी कम्स बैक विद ए बिग बाउल ऑफ वाटर। जब वो वापस आई तो उनके पास क्या था, एक बिग बाउल था, एक बिग कटोरा था बड़ा सा, उसमें पानी भरा हुआ था। शी गोज आउटसाइड, वो बाहर गई। द चिल्ड्रन फॉलो हर, और जो बच्चे थे अजय और वानी थे, उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। ग्रैंड मदर कीप्स द बाउल ऑन द ग्रास। ग्रैंड मदर के हाथ में जो वो अंदर से बाउल लेकर आई थी जिसमें पानी भरा हुआ था, उन्होंने उस बाउल को बाहर लाके ग्रास पर, मतलब घास में रख दिया। शी कॉल्स वानी एंड से, उन्होंने वानी को बुलाया और कहा, हियर इज़ द मून, देखो यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पर मून है। बट डोंट टच इट, लेकिन इसे छूना नहीं। इफ़ यू डू इट विल गो अवे, अगर तुम इसको छुओगे, ऐसा करोगी तो ये वापस चले जाएंगे। वानी लुक्स इनसाइड द बाउल, वानी ने उस बाउल के अंदर देखा। शी कैन सी द मून इन द वाटर, तो उसे उस वाटर में मून दिखाई दिया। शी इज़ वेरी हैप्पी, इसको देख के वो बहुत खुश हुई। शी लुक्स एट द ग्रैंड मदर एंड गिव्स हर अ स्वीट स्माइल। उसने अपनी ग्रैंड मदर, अपनी दादी की तरफ देखा और उनको एक प्यारी सी स्माइल दी। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि स्टोरी का नेम है द मून इन ए बाउल। तो इसमें ये बताया गया कि वो जो मून आसमान में रहता है, उसको हम नीचे बाउल में कैसे ला सकते हैं, किस तरह से देख सकते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसको प्लीज़ ध्यान से देख के समझिए। हैव ए नाइस डे।